यार एक बात बोलूं, अब उसके बिना मन नहीं लगता यार, बार बार उसका चेहरा देखने का मन करता है। कहीं तुझे प्यार श्यार तो नहीं हो गया ना, तू कहीं भूल तो नहीं गया कि वो औरत नहीं एक किन्नर है? किन्नर यार वो सब कुछ नहीं है, पता है वो ना इंसान बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है, भगवान की बनाई हुई प्यारी सी भोली भाली सी निर्दोष। लेकिन एक दोष है उसमें कि वो किन्नर है। ना, 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 ना। यार वो उसका दोष नहीं है, वो उसकी बदकिस्मती है यार। यार मैं उसके साथ रहा भी हूं, वो बिल्कुल हमारी तरह है, एकदम नॉर्मल। अपने इमोशंस पर काबू पा ले और मेरी एक बात ना याद रख, किन्नर से दिल लगा के कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय बदनामी के। इस दारू के नशे में लौट जा, और हाँ इस मामले में ना होश में रह, होश में। उसके साथ ना बहुत गलत हो रहा है, बार बार उसका चेहरा मेरे सामने आता है और मुझसे कहती है, अरमन जी आपके घर वाले मेरे साथ गलत कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। यार मैं उसे कहां कहां से बचा के लाया और फिर मेरे ही घर में उसके दुश्मन बैठे हैं और अब उसको पता नहीं क्या हो गया, वो भी मेरा साथ नहीं दे रही। सच कहूं अगर सौम्या मेरा साथ देना तो उसके लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं। I really care for her, और ये बात मैं आज उसे बता कर ही रहूंगा। जिसमें हम खाना बनाएंगे, और ये हमारा आंगन जिसमें हम रात रात खेलेंगे, और ये हमारा कमरा जिसमें हम साथ रात रहेंगे। छोटी, बचपन के वो दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। वो घर घर का खेल कभी घर पसंद नहीं आता था तो तोड़ दिया करते थे, फिर से एक नया घर बना लिया करते थे अपनी पसंद का। पर असल जिंदगी में हम अपनी पसंद का घर क्यों नहीं बना पाते हैं? क्यों दूसरों की मर्जी से हमें रहना पड़ता है? शराब पिए जी, पी तो कई बार लेकिन पी के
ऐसे पहली बार तुम्हारे सामने और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। आपको सो जाना चाहिए, आप अपने कमरे में चली जाइए। सो जाऊंगा पर पहले तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मैं यही रहूंगी, आप जाकर अपने कमरे में। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप चाहे मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए लेकिन मैं अब आपके कमरे में नहीं रहूंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जी, आपने मेरे लिए बहुत कर लिया और अब इससे ज्यादा अगर आप मुझ पर कोई भी एहसान करेंगे तो मैं आपके एहसानों पर ले तब जाऊंगी। जिद मत कीजिए प्लीज, अपने घर अपने कमरे में वापस जाइए। चुप, बिल्कुल चुप, कोई डायलॉग बाजी नहीं। समझो ना यार गुलाब को, मैंने वादा किया तुम्हारी माँ से, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, तो कुछ सोचो। ऊपर से मुझे देखकर मेरे बारे में क्या सोचती होगी, और वैसे भी और मेरा कमरा तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है यार। मुझे आदत हो गई है तुम, मेरा मतलब उस कमरे को तुम्हारी आदत होगी। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी ना गुलाब? आदत हो गई है मामी जी हरमन को स्किनर की, बावला हो गया है वो, प्यार शहर में पड़ गया उसके। और मामी जी आई लव यू बोलने गए उसे। सच सच बताना गुलाब, क्या तुम्हारा मन नहीं करता मेरे साथ रहने का? क्या तुम्हारा मन नहीं करता बार बार मेरा चेहरा देखने का? कैसे बताऊं आपको, जब से आप जिंदगी में आए हैं मन में बस आप ही बसे हैं। पर क्या एक किन्नर को अपने मन की बात कहने का या करने का कोई हक होता है? हक है मेरा तुम पर, साथ फेरे लिए मैंने तुम्हारे साथ, फिर भी साथ नहीं रह सकता। एक तो नसीब दुश्मन, ऊपर से मेरे घर वाले। लो, दुश्मन का नाम लिया, दुश्मन हाजिर। दुश्मन नहीं है जी, वो आपके भला चाहते हैं आपका। और रही बात हमारे साथ की, तो चाहे हम दूर दूर ही क्यों ना रहे, हमारे बीच जो दोस्ती है कभी नहीं टूटेगी। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे लगाव हो जाएगा और इस कदर हो जाएगा। मुझे तो तुम्हारी मुस्कुराहट पसंद थी, प्यारी सी, भोली भाली सी गुड़िया जैसी। नहीं गुलाब, मैं तुम्हें यहाँ घुट घुट के रहते नहीं देख सकता। क्या रे, आपकी गुलाब एक किन्नर है जो कभी भी किसी को कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन आपने आपने मुझे मेरे नसीब से बहुत ज्यादा दिया है। बस
अब और नहीं, अब मैं किसी भी रिश्ते और किसी भी खुशी की बिल्कुल भी हकदार नहीं। अरे ठंड रखो, आ रहा हूं। देखो गुलाम, तुम क्या हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। इतनी मासूमियत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इतना काफी होता है ना एक रिश्ता निभाने के लिए, एक रिश्ता जोड़ने के लिए। और तुम्हें पता है कि किसी भी रिश्ते में कभी भी सारी खुशियां नहीं मिलती। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी जरूर होती। लेकिन जो कमी मुझ में है वो तो एक इंसान को ही अधूरा छोड़ देती है हरमन जी। और ऐसे अधूरे इंसान को तो लोग भी इंसान नहीं मानते। रिश्ता जोड़ने की बात तो बहुत दूर है। आपने मुझे इंसानों की दहलीज पर रहने का एक मौका दिया, मेरे लिए तो यही बहुत है जी। मैं घर बसाने के सपने देख ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं एक औरत नहीं, एक किन्नर हूँ। हरमन जी, यार गुलाब वो क्यों ड्रामे कर रही हो? देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। वैसे तो ये नामुमकिन है जी, लेकिन अगर आपने कभी भी मेरे साथ बुरे से बुरा किया मैं उस बात का कभी बुरा नहीं मानूंगी। अगर आप अपने साथ कुछ गलत करें या फिर इस परिवार के साथ कुछ भी बुरा करें तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। इसलिए प्लीज, जो मैं कह रही हूं और जो मैं कर रही हूं उसे बस समझने की कोशिश कीजिए। क्या है? दरवाजा है, जगराते का ढोल नहीं जो पीटे जा रही है तू। चल निकल यहां से। ओए, मुझे कोई शौक नहीं यहां पर आने का। वो तो माँ ने तुम दोनों खाने में बुलाया इसलिए मैं आ भी गई। अब मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। जी जी, आप हरमन जी को लेकर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छेती आ जाना। नानी, मैं ट्राई तो कर रही हूँ पर ये बात आप भी जानते हो और मैं भी कि मैं मम्मी जैसी भिंडी नहीं बना सकती हूँ, तो जैसे भी बनेगी खानी पड़ेगी। ठीक है, आज खा ले पुत्र, कल से मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ ना। अरे बेबे कैसे खा लूँ, खाने के लायक है ये? कहाँ रह गई? जहर है ये जहर, मैं नहीं खाना, मैं पानी पी के सो जाऊंगा। सेटा बेबे, हटा से, सुन ले मैंने। ले बेबे ले। ये मत सोचिएगा कि आपको खाना खिलाकर मैं अपनी बेटी होने का फर्ज निभा रही हूं। हमारी माँ की अच्छी परवरिश ने हमें अच्छा इंसान बनाया है और सिर्फ इंसानियत के नाते मैं किसी को भूखा पेट सोते हुए नहीं देख सकती। खाना खा लीजिएगा।
कैसी होंगी नानी कल मिलने चले उनसे पुत्र इन हालात में सोमू से मिलने जाना ठीक रहेगा पता नहीं पर एक बार उन्हें देख लेते ना तो तसल्ली हो जाती ज्यादा देर नहीं रुकेंगे पर एक बार मिलाते जिंदगी मेरी वजह से बिखरती जा रही है कैसे संभालूं मैं आप होती तो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देती बाप क्यों छोड़कर चली गई क्यों छोड़कर चली गई मुझे आप कितनी अकेली हूं मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं कर ले तू मैं तो खाना लग गया ना तुम बुलाने आ गई कर ले तू खत्म कर ले अच्छा मैं क्या जैसे मैंने कहा था वैसे ही कर रही है ना इतनी दूर हो जाना हरमन से कि तेरी परछाई भी उस पर ना पड़े तो क्या हुआ अगर हरमन की जिद की वजह से तू उस घर में रह रही रहना तो तुझे मेरी मर्जी से ही क्योंकि सौम्या ये घर तो मेरा है ना ये घर तो मेरा ही है ना अच्छी बच्ची है तू बहुत अच्छी है खाना खाने आ जा ओह रुक वो अभी नहीं आ मैं चले जाऊं ना उसकी थोड़ी देर बाद आ जाना वरना मेरा पुत्र जो है उसने मेरे पे शक कर लेना है कि जरूर मैंने तुझसे कुछ ना कुछ कहा होगा तब है तो मेरा ही खून मेरा बेटा है मुझे पर गया है प्यारा है और तुझे उससे दूर रहना है